मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से अलॉन्ग विद मैडम रेशमा ना सही नाम है हाँ। रेशमा एंड त्रिशा दिखा दी तर 5 अप्रैल 2022 एक हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं, इनका बाईपास सर्जरी हुआ था, वो भी इमरजेंसी में हुआ था। कब हुआ था आपका बाईपास सर्जरी? 26 अप्रैल। और एंजियोप्लास्टी कब करी थी? रीनल वाली किडनी वाली कब करी थी? किडनी वाली इनकी हमने एंजियोग्राफी करी, इनको थोड़ा सांस फूलता था हल्का सा, तो एंजियोग्राफी में ऐसी ब्लॉकेज निकला कि हमें अर्जेंट बाईपास करना पड़ा, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं थी। बाईपास हो गया, सक्सेसफुल बाईपास हो गया, 2 ग्राफ्ट लगाए गए क्योंकि इनकी लेफ्ट मेन आर्टरी 100% बंद थी और राइट में भी 80% बंद था, ऐसे केसेस में सर्वाइवल। तो बाईपास सर्जरी करके अगस्त में करा, उसके बाद हमने अक्टूबर में किडनी की नस में एक ब्लॉकेज था उसको खोला, उसमें जब एंजियोग्राफी करी तो देखा कि बाईपास एक बंद हो गया था। ऐसा हो जाता कई बार कि बाईपास की, आज क्या किया हमने उस आर्टरी को जो बाईपास अप्लाई हो रही थी उसमें स्टेंट लगा दिया, जिसमें स्टेंट नहीं लग सकता था उसका बाईपास काम चल रहा है। देखिए आप, अभी हमने देखा कि हमने एंजियोग्राफी करी, अभी ये नेटिव आर्टरी 100% बंद है, इसको बाईपास कवर कर रहा है। तो राइट वाली नस में 80% बंद है इसका, इसमें जो बाईपास लगा था वो बंद हो गया था। किडनी की नस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, ये किडनी की नस हमने देखी बाईपास, तो एक बाईपास ठीक है, एक गड़बड़ है उसको, ये किडनी की नस में स्टेंट लगाया था बिल्कुल ठीक है, ये किडनी का नस का स्टेंट है। तो एक बाईपास जो बंद था, जिस आर्टरी का बाईपास बंद था उसमें 80% ब्लॉक है, इसमें हमने बैलून लगाया और बैलून के बाद स्टेंट लगा दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। कहने बाईपास के बाद हमने स्टेंट लगा दिया, ये बिल्कुल नस ठीक हो गई। अब देखिए नस बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बाद में देखिए शॉट लिया, ये देखिए यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, पहले यहाँ ब्लॉकेज था। कहने का मतलब है कि बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी कोई भी 100% श्योरिटी नहीं होती। एंजियोप्लास्टी में स्टेंट अगर एक बार लग गया और 6 महीने का निकल गए उसके बाद लाइफ लॉन्ग काम करते हैं। बाईपास सर्जरी की लाइफ नॉर्मली 10 से 5 साल होती है या 5 से 10 साल, जो लीमा आर्टरी होती है वो 10 साल काम करती है अप्रोक्सीमेटली। चलो हाँ, तो बाईपास सर्जरी के बाद भी हमारे पास एंजियोप्लास्टी का विकल्प होता है, खासकर इसका बाईपास बंद हो चुका है। डॉक्टर वी गुप्ता ऑन 4th-5th अप्रैल, हमारे दोस्त हैं आसाम से हैं, ये कुछ गाना गाना चाहते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। पेशेंट को इतना खुश होना चाहिए कि गाने पे आ जाए, गाइए। चल चल, वर्डिंग तो नहीं आता है, सॉरी सर सॉरी। चल चल मेरे हाथी, नहीं चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, ये कुछ बता दीजिए वर्डिंग। हाँ चलिए, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल निकल गए के चल यार डका मार, मंदे है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, हो गया था। तो देखा आपने, हाँ तो आपने देखा, मरीज खुश डॉक्टर खुश, तो गाना भी चलता है, संगीत होता है। अभी रेशमा और त्रिशा अगली बार गाना गाएंगी अगले प्रोग्राम में। तो मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 5th